यूक्रेन विजय के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्लफ प्लान तैयार किया है। इस प्लान की कमान रूस के विदेश मंत्री और रूस के उस डिप्लोमैट को सौंपी गई है जिसने कई देशों में रूस की पॉलिसी का प्रतिनिधित्व किया है। फिलहाल ये डिप्लोमैट रूस के उप विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से पुतिन के ऑपरेशन सीक्रेट एन यानी सीक्रेट न्यूक्लियर का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया गया है, जिसका मकसद है न्यूक्लियर हमला लेकिन सीक्रेट स्टाइल के साथ, यानी परमाणु बम का बटन भी दबेगा और रूस पर आरोप भी नहीं लगेगा। क्या है पुतिन का ब्लफ प्लान, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एन विनाश का कपट प्लॉट, होने वाला है परमाणु विस्फोट। यूक्रेन को सलाह, डालो हथियार वरना अंतिम प्रहार। नया साल यूक्रेन का काल बन सकता है। नया साल दुनिया में विनाशक बवंडर चलाने वाला साल बन सकता है, क्योंकि दो दिन में दो ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें से एक ने उम्मीद बढ़ाई और दूसरे ने आशंका। पहला घटनाक्रम ये कि 26 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन दूसरा घटनाक्रम ये कि 26 दिसंबर की देर शाम को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूसी मीडिया से बात करते हुए विनाशक प्रहार की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि क्या होगा। लावरोव ने तीन अहम बातें कही। पहली बात कही कि यूक्रेन रूस की मांग मान ले, वो इलाके जिन पर रूस का कब्जा है यूक्रेन उन पर अपना दावा छोड़ दे। दूसरी बात कही कि रूस का प्रस्ताव है यूक्रेन का विसैन्यकरण और नाजीवाद का अंत हो, यूक्रेन से रूस की सुरक्षा पर मंडराते खतरे का अंत हो। तीसरी और सबसे अहम बात मेदवेदेव ने कही कि रूस की मांगे मानने में यूक्रेन की भलाई है, वरना रूस की सेना ही यूक्रेन का भाग्य तय करेगी। रूस के विदेश मंत्री ने रशियन न्यूज एजेंसी तास को एक लंबा इंटरव्यू दिया और पुतिन की तरह ही कहा कि शांति बहाली की बॉल अब यूक्रेन के पाले में है, लेकिन उसे अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। मतलब साफ है कि नए साल तक रूस की मांगे नहीं मानी गई तो फिर नए साल में इतना विनाशक प्रहार होगा कि यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। उस विनाशक हमले को अंजाम देने के लिए छल कपट वाली भूमिका को फिर से उभार दिया जाने लगा है। यह है यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या का न्यूक्लियर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस पर सितंबर से ही रूस का कब्जा है। यहाँ रूसी सेना के कैंप और हथियार डिपो है। ऊर्जा संकट में घिरा यूक्रेन इस पर दोबारा कब्जे की जंग लड़ रहा है और यही जंग कपट प्लॉट से परमाणु विस्फोट का कारण बन सकती है। ये हैं मिखाइल ग्लुज़िन, रूस के उप विदेश मंत्री। उन्होंने ज़ापोरिज़्या प्लांट के बारे में जो कहा है उससे परमाणु विनाश की आशंका बढ़ गई है। ग्लुज़िन ने कहा है कि यूक्रेन के हमले से ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट को खतरा है। यूक्रेन का हमला परमाणु विनाश शुरू करा सकता है। रूसी सेना ज़ापोरिज़्या प्लांट पर यूक्रेन के खतरे को टालने की हर कोशिश कर रही है। रूस ने बीते तीन महीने में कई बार इस प्लांट पर किए यूक्रेन के हमलों का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। अब एक बार फिर ज़ापोरिज़्या के बहाने परमाणु विनाश का बटन दबने की आशंका बढ़ गई है। सिर्फ उप विदेश मंत्री का बयान ही नहीं बल्कि परमाणु विनाश का संकेत बेलारूस से भी मिला है। बेलारूस ने इस्कंदर परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है और तैनाती के अगले ही दिन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। रूस की सैन्य तैयारी बड़े स्तर पर जारी है। रूस के डिफेंस स्ट्रक्चर में पुतिन तेजी से बदलाव भी कर रहे हैं। पुतिन ने सोमवार को एक डिक्री जारी की। इस डिक्री में आदेश जारी किया गया कि दिमित्री मेदवेदेव अब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन के डिप्टी चीफ होंगे, यानी पुतिन के बाद मिलिट्री बजट और सौदे तय करने का सीधा अधिकार मेदवेदेव को होगा। रूस के सैन्य ढांचे में हो रहे बदलाव और रूस का बढ़ता आक्रामक रुख ये आशंका बढ़ा रहा है कि यूक्रेन ने रूस की मांगे नहीं मानी तो परमाणु प्रहार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।